हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4वी इंजीनियर्स। मैं हूं आशीष सिंह। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजन डिवाइसेस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके हेल्प से हम इंजन के इंडिकेटेड पावर को मेजर करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने मैकेनिकल डिवाइस यूज किया था इंडिकेटेड पावर मेजर करने के लिए, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी कम थी उसमें। अब फुल एक्यूरेट के लिए हम अब इलेक्ट्रॉनिक सामान पे मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके का है, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से डिवाइसेस है जिससे हम इंडिकेटेड पावर इंजन का मेजर कर सकते हैं और कैसे मेजर करते हैं उसका प्रोसेस। क्लियर? तो एक्चुअल है क्या, प्रेशर इंडिकेटर एक है, कैथोड रे ट्यूब इंडिकेटर। ठीक है, ये दो तरीके से या ये दोनों डिवाइसेस के हेल्प से हम किसी भी इंजन का इंडिकेटेड पावर मेजर कर सकते हैं। अब वो काम कैसे कर सकता है, ये डिवाइसेस कैसे, क्या है इनके पार्ट्स कैसे, ये डिवाइसेस का वर्क कैसा है, ये सबसे पहले तो हम प्रेशर इंडिकेटर को कवर करते हैं। ठीक है, प्रेशर इंडिकेटर, तो देखो ये दोनों की वर्किंग में समझा रहा हूं कि ये इंजन से कैसे कनेक्ट होगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये इंजन से कैसे कनेक्ट होगा, उसके बाद इसके पार्ट्स को बताऊंगा, और फिर जब इंजन को स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या इसमें होगा कि हमें वैल्यू मिलेगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये है इंडिकेटेड पावर इस इंजन की। क्लियर? तो सबसे पहला ये करेंगे हम कि ये देखो, ओके, ये हमारा प्रेशर इंडिकेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो देखो ये जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, अब आपका इंजन है, ठीक है, ये हुआ आपका इंजन, ये उसका हो गया सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया पिस्टन कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज क्रैंकशाफ्ट। क्लियर? हम इस सिलेंडर का जो अपर वाला पार्ट है इसमें ये डायफ्राम को इसमें हम अंदर की ओर लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब जब इसमें कंबशन होगा ये मूव करेगा, तो जो प्रेशर है वो प्रेशर इस सरफेस पे भी पिस्टन पे, तो प्रेशर जब फ्यूल बर्न होता है, कंबशन बर्न होता है जब फ्यूल अंदर हमारे इंजन के अंदर सिलेंडर हेड में, तो उसका प्रेशर पिस्टन पे लगता है, तो पिस्टन मूव होता है तो पावर मिलता है। तो सेम टू सेम वो आसपास का जो सरफेस है उस पर भी सेम प्रेशर डेवलप होता है, सेम प्रेशर लगता है उन सब पर भी, तो जो डायफ्राम उस पर भी सेम प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो अब इस प्रेशर जो प्रेशर के थ्रू हम मेजर करेंगे इंडिकेटेड पावर। क्लियर? तो उसके लिए डिवाइसेस है प्रेशर इंडिकेटर, ये काम कैसे करता है ये हमारा, तो ये डायफ्राम को हमने यहां कनेक्ट किया, पिस्टन स्टार्ट हुआ, कंबशन होना जैसे इंजन में स्टार्ट हुआ, इस पर प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर लगने से क्या होगा डायफ्राम, ये होगा मूव अप एंड डाउन होगा मूव। ठीक है, तो इसके आगे ये जो आपको रेड कलर का ये दिख रहा है ये एक है, इसे हम लोग बोलते हैं एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो जो भी इसमें जो जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है, जो डिवाइस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है पूछे तो ये बोले पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल पे ये बेस है, ये पीजो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण आपको ये डाटा इंडिकेट कराएगा। कैसे, हम इसमें क्या करते हैं, एक मटेरियल है इसे बोलते हैं हम क्वार्ट्स। ठीक है, क्वार्ट्स मटेरियल, ये मटेरियल किससे मिलके बनता है, ये मटेरियल आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर एक क्रिस्टल बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जो कि करता क्या है, जब इस पे प्रेशर लगता है, ठीक है, ऐसे समझते हैं ये आपका एक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसे हम बोलते हैं क्वार्ट्स। ठीक है, ये किससे मिलकर बनता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर एक स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टल डेवलप होता है। ठीक है, नॉर्मली इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें अंदर जो चार्जेस है वो नॉर्मली एट रेस्ट, जब कोई उस पर कोई फोर्स नहीं लगा होता है, रेस्ट रहता है, तब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो पोटेंशियल उसकी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं होता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, जनरली जो क्वार्ट्स का ये जो हम पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कहां स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस और फोर्स को डेवलप मेजर करने के लिए हम इसी का यूज करते हैं, कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है इसको मेजर करने के लिए, तो हम इसी पे, इससे हम इसका स्ट्रेस क्या है, फोर्स क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उससे हम मेजर कर सकते हैं। अब कैसे, वो ध्यान देना, देखो जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसके अंदर जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं हो रही है। जैसे इस पे फोर्स लगना चालू हुआ, मीन्स वो टेंसाइल हो चाहे कॉम्प्रेसिव हो, तो ये क्या होता है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, मीन्स
पावर ट्रांसपोर्ट ट्रांसड्यूसर की तरह काम करने लगा। ट्रांसड्यूसर का मतलब है एक टाइप ऑफ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो यहां पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा विद द हेल्प ऑफ क्वार्ट्स और विद द हेल्प ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो जैसे आपकी इस पे ये देखो, ये हो गया क्वार्ट्स, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये जो हो गया इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड जो किसी पोटेंशियल उसके बीम को क्या करेंगे, मैनेज करके रखेंगे। और ये एक एम्पलीफायर, ये हम एम्पलीफायर एम्पलीफायर का यूज करेंगे ताकि इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके जो सिग्नल हम समझ सकते हैं उसको हमारे सामने प्रेजेंट करें। ठीक है, तो जैसे ये डिफ्राग्राम अप या डाउन मीन्स ये टेंसाइल हो रहा है, कॉम्प्रेसिव हो रहा है, क्योंकि ये हमने पिस्टन सिलेंडर हेड पे लगा रखा है, तो जब कंबशन हो रहा है तो ये मूव हो रहा है। इसके कारण जो क्वार्ट्स जो अपने आपका जो आपने यूज किया जो मटेरियल जो है उसमें क्या होता है, टेंसाइल कॉम्प्रेसिव का उस पर फोर्सेस एक्ट होने लगते हैं। ड्यू टू दिस क्या होता है, आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव रेस्ट में जब रहता है मटेरियल तब कोई न्यूट्रल रहता है, जैसे उस पर कोई फोर्सेस टेंसाइल या एक्ट होने लगता है तो इसमें चार्ज वोल्टेज जनरेट होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, जैसे ये प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वोल्टेज जनरेट होने लगा इसके अंदर टेंसाइल के केस में। कंप्रेसिव केस में जस्ट एग्जांपल, कंप्रेसिव केस में ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, तो इससे क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट होने लगेगा। तो फिर क्या, वो वोल्टेज को क्या करता है, एम्पलीफायर जो है उस वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है और स्क्रीन पे आपको दिखाता है कि ये इनपुट आपको, ये आउटपुट आपको आ रहा है, इस इनपुट से ये आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे और थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी लगाकर आप डायरेक्ट आप अपने इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं अपने इंजन का। अब ये कैथोड रे ट्यूब कैसे काम करता है, कैथोड रे ट्यूब में ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं हीटर। एक ये ट्यूब है कुछ इस तरीके का, सेम शेप का, इसे ये है हीटर, इसके अंदर है कैथोड। ठीक है, इसके आगे ये ग्रिड लगे हुए हैं जो कि उसके ग्रिड, ठीक है, जो उससे बीम निकलेगा उसको एक स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के लिए, मतलब उसको कंट्रोल इधर उधर ना फैल जाए, उसको एक पर्टिकुलर बीम की तरह मूव हो वो ग्रिड। ये हो गया प्री एक्सीलरेटिंग, इसका अगले वाला जो प्री एक्सीलरेटिंग, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट, ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटल डायरेक्शन प्लेट। ठीक है, अब देखो जैसे ये आपका जो हीटर है ये हीट होना स्टार्ट होता है तो कैथोड रे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो मूव होने लगता है इधर की ओर, और ये सारे ग्रिड प्री एक्सेलरेटिंग उसको और एक्सेलरेट करते हैं ताकि वो स्क्रीन तक जाए। ये वर्टिकल प्लेट क्या करता है, उसको वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डायरेक्शन में स्ट्राइक कराएगा आपकी इस स्क्रीन से। हॉरिजेंटल प्लेट का काम क्या है, आपको अप या डाउन हॉरिजेंटली कराएगा, वर्टिकल ऐसे मूव इधर इधर तक मूव कराएगा इलेक्ट्रॉन को, ये ऐसे मूव कराएगा। ठीक है, तो ये जाकर आपके इलेक्ट्रॉन जो बीम निकलेगा वो जाकर आपके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे टकराएंगे, इससे आपको क्या होगा, एक इंडिकेटर एक डाटा दिखेगा जो कि आपको बताएगा कि आपका ये वैल्यू। क्लियर, तो ऐसे ही हमारा आईपी जो है इंडिकेटेड पावर आप विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप कैलकुलेट और फाइंड कर सकते हैं अपने इंजन का। क्लियर, ये डिवाइसेस कैसे काम करता है आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपने रिप्लाई दें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मजेदार आईसी इंजन से रिलेटेड टॉपिक आपको चाहिए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।